पता नहीं जो बाकी सारे यूट्यूबर हैं जो रिव्यू करते हैं, वो एक दिन के अंदर जो मूवीज रिलीज हुई होती हैं या जो सीरीज रिलीज हुई होती हैं उनको एक ही दिन के अंदर, जिस दिन वो रिलीज होती हैं उसी दिन देख के उसकी उसके बारे में स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बना के अपलोड भी कर देते हैं यूट्यूब पे, चाहे वो एक से ज़्यादा क्यों ना हो। अभी फिलहाल में जब भी देखो कि रात अकेली है, लूट केस, या फिर शकुंतला देवी, ऐसे कुछ करके कुछ ऐसी मूवी जो आई थी, सबने धड़ल्ले से एक दिन के अंदर इनके रिव्यू करके अपलोड भी कर दिए थे। यार इंसान है या मशीन है, कभी कभी सोचता हूँ यार इतने कमाल की बात है, सुपर ह्यूमंस हमारे बीच में रह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लूट केस मूवी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया राजेश कृष्णन ने और इसके अंदर कास्ट है कुणाल खेमू, रणवीर शोरे, विजय राज, रशिका दुग्गल, गजराज राव और बाकी अन्य कलाकार। अब इसकी कहानी पर जाने से पहले कुछ चीजें मुझे यहाँ डिस्कस करनी है। काफी टाइम बाद एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इतनी एंटरटेनिंग मूवी आई है जिसमें कोई प्रोपोगेंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनिंग के पर्पज से ही ये मूवी बनाई गई है। और एंटरटेनमेंट के नज़रिए से इसे देखें कि हमारी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे तो आपकी सारी एक्सपेक्टेशन ये मूवी पूरी करती है, मतलब खरी उतरती है आपकी एक्सपेक्टेशंस पे। कमाल की परफॉर्मेंस है, कमाल की कॉमेडी टाइमिंग है, मतलब इसके साथ इस मूवी के अंदर एक सीरियसनेस भी है और सीरियसनेस के साथ साथ एक ऐसा सीन है जिसमें एक इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस है और उसी सीन के अंदर कुछ ऐसे डायलॉग हैं कि आप अपनी हंसी नहीं रोक सकते। कमाल का मेल जोल बनाया गया है। चलो अब कहानी की बात कर लेते हैं। नंदन कुमार जो एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते एक आम आदमी है, बिल्कुल ही आम आदमी है, वो बस अपने काम से मतलब रखता है, अपने शाम को अपने घर पे आ जाता है। और उसकी एक वाइफ है लता, और जो लता है उसको ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि वो बेईमानी के जो रुपये उनको हाथ तक नहीं लगाती, अपने घर में भी नहीं आने देती। और ये संस्कार सच में, ये जो चीज़ देखी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छी इसलिए लगी कि हमारी जो संस्कार हैं उन संस्कारों का मजाक जो है वो बॉलीवुड बहुत टाइम से उड़ाता आ रहा था, और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई इंसान अगर कोई अपने अंदर संस्कार है उसके अंदर और कोई उसने अपने कायदे कानून बना रखे हैं और उसका वो पालन करता है, उस चीज़ का ज़्यादातर लोग मजाक ही उड़ाते हैं। और बॉलीवुड तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फेमस है कि धर्म का मजाक उड़ाना, किसी के संस्कारों का मजाक उड़ाना, उसे ओल्ड थॉट वाला कह देना कि ये तो यार कंजर्वेटिव सोच वाले हैं, ये तो पुरानी सोच वाले हैं, ये बदलना ही नहीं चाहते, ये चेंज से नफरत करते हैं, तो इन जैसे वगैरह वगैरह के खिताब इन लोगों को दे दिए जाते हैं। तो खैर छोड़ो, इस बार ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग मुझे लगा कि शुक्र है यार इस बार कुछ ना कुछ अलग था इसके अंदर, कि मजाक नहीं उड़ाया गया संस्कारों का। तो नंदन के हाथ लगता है एक 10 करोड़ रुपए का एक लाल सूटकेस। अब ये कैसे हाथ लगता है, एक एमएलए पाटिल है वो फैजू, जो उसका ये आदमी है, फैजू को काम देता है कि ये 10 करोड़ रुपए जाके त्रिवेदी या तिवारी ऐसा कुछ करके होता है उसके घर पे पहुंचाने। तो फैजू अपने आदमियों को कहता है कि वो जाके सूटकेस, त्रिवेदी या तिवारी मुझे नहीं पता, उसके घर पे जाके सूटकेस पहुंचाए। और जो फैजू से नफरत करने वाले एक दूसरी गैंग होती है बाला ठाकुर, उसको ये बात पता चलती है और वो अपने बंदे भेज देते हैं जब ये रुपये लेके जा रहे होते हैं। तो दोनों के बीच में फायरिंग स्टार्ट होती है, इस बीच में पुलिस आ जाती है, दोनों ही गैंग घबरा कर भागते हैं। और इस बीच में जो पैसे थे वो ये लोग क्या करते हैं, शौचालय के सामने, सुलभ शौचालय के सामने ये पैसे छुपा कर भाग जाते हैं, जहां पर नंदन रात को सुसु कर रहा होता है और उसके हाथ में ये 10 करोड़ रुपए लग जाते हैं। मतलब और जो यहाँ पे एक डायलॉग जो बोला गया कि हाँ सुसु करने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है वो तो सुना था, लेकिन इतना आनंद प्राप्त होता है ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। अब एक आम आदमी जिसने अपनी लाइफ में 20 से 50 हज़ार रुपये शायद ही मुश्किल से एक साथ देखे होंगे और उसके सामने 10 करोड़ रुपये सामने रखे हों, तो उसकी हालत क्या होगी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही नंदन की हालत होती है, और इस चीज़ को उन्होंने बखूबी निभाया है। अब नंदन रुपये घर पर ले जा नहीं सकता क्योंकि उसकी वाइफ को बेईमानी के या फिर अपनी ही किसी और ने कमाए हुए रुपए वो अपने घर पे लाने नहीं देना चाहती थी। और गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग नंदन जो है वो कैश देकर एक प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता क्योंकि ये कैश वो लेंगे नहीं। तो ये तो वो हालत हो गई थी कि हाथ को तो आया बट मुंह को नहीं लगा, ऐसी हालत हो गई थी नंदन कुमार की। और इन सब चीज़ों को बखूबी से स्क्रीन पर उतारा है कुणाल खेमू ने अपनी किरदारी से। केवल कुणाल खेमू ही नहीं, वो बाकी जितने भी अन्य कलाकार हैं, चाहे वो विजय राज हो, रणवीर शोरे हो, सबने बेहतरीन मतलब अपना 100% दिया, अपने हर किरदार को पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने प्ले किया है। चाहे वो विजय राज का नेशनल ज्योग्राफी देखकर अजीबोगरीब जानवरों के नाम लेना और इरिटेट करना, चाहे वो रणवीर शोरे हो जो एक सीरियस पुलिस वाले जो इसके अंदर बने हैं और कमाल की एक्टिंग करना उनके द्वारा। और अब एक सीरियस बात यार, देखो यार ऐसी मूवीज जो होती हैं जिनको
काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, जिनमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लोग ये सब नहीं देखते हैं। इन सब के बजाय वो देखना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की मूवी जिनको बहुत बड़े पैमाने पर आपके सामने एडवर्टाइजमेंट करके मतलब दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये इनकी मूवी देखो, यार ये जो एक्टर हैं, ये जो मूवी है, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और रियली में काफ़ी अच्छी मूवी है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई झूठ बोलूँगा, देखो यार मुझे कोई पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं, 300 सब्सक्राइबर, 350 शायद 300 ही हैं, 300 सब्सक्राइबर वाले इंसान को इतने कोई रुपए देता भी नहीं। और ये नहीं है कि मैं अब रुपए नहीं दे रहा आने वाले टाइम में मैं कोई रुपए, नहीं यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है और इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि यार हमारे देश में जैसे लोग जो बेवकूफ़ लोग हैं उनकी तादाद कुछ ज़्यादा ही है, और समझदार लोग जो है वो आलसी होते जा रहे हैं, वो किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए उसको अप्रिशिएट वो बिल्कुल नहीं करते। और उन बेवकूफ़ लोगों के जो क्या बात करूँ उनके बारे में, छोड़ो उनके बारे में, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस मूवी को यार ज़रूर देखो और जितना हो सके लोगों के साथ इस मूवी को शेयर करो, और इन जैसी मूवी को ही सपोर्ट करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में लोग मेहनत करें, अच्छा कंटेंट लेके आए हमारे लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि यार एक इंडियन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी टाइम बाद एक पूरी एक कॉमेडी के रूप में, जिसको आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई घटिया सीन भी नहीं है, आप इसको आसानी से मूवी अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत टाइम बाद हंसा हूँ अपनी भारत की कोई अच्छी कॉमेडी वाली मूवी देखकर। तो बस आज के लिए इतना ही था, और मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 8.5/10 स्टार। अगर किसी ने ये मूवी देख रखी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो जाओ यार ये मूवी ज़रूर देखो, खुद देखो, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को, सबके साथ बैठ कर ये मूवी देख सकते हो। काफ़ी अच्छी मूवी है, डिसेंट मूवी है, कोई भी गंदा सीन इसके अंदर नहीं है। तो बस आज के लिए इतना था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।